हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये देखिए, आज मैं अपने बालकनी में आई हुई हूँ और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं अपनी बालकनीज में ताकि आप अपनी बालकनी एकदम ग्रीन और फ्रेश विथ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वेल ग्रोन एंड वेल ग्रूम्ड प्लांट्स कैसे रख सकते हैं। ईजीएस्ट तरीका ताकि आपको कोई स्ट्रेस ना हो बालकनी का और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, कोई सेटबैक ना हो कि आज ये प्लांट डाई डाउन कर रहा है, वो सूख रहा है, ऐसे आपके साथ ना हो। तो कुछ मैंने 7 पॉइंट अपनी बालकनी में काम करते करते रियलाइज़ किए हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि आप अगर ये सिंपल स्टेप्स या सिंपल पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे अगर तो आप अपने बालकनी को बहुत ही इजीली मेंटेन कर सकते हैं विद ब्यूटीफुल प्लांट्स। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि ये कौन से 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं कि आपकी बालकनी में कितनी हीट या सन रहता है, सन फेसिंग है या शेड रहता है। अगर आपकी बालकनी वेस्ट फेसिंग है तो फिर उसमें आफ्टरनून सन बहुत आएगा। अगर आफ्टरनून सन आता है वेस्ट फेसिंग में तो एक्चुअली में क्या होता है, वो आफ्टरनून में लॉन्गर पीरियड के लिए और काफ़ी इंटेंस हीट भी रहती है और डायरेक्ट सन भी बहुत टाइम के लिए रहता है, तो उसमें कुछ स्टर्डी प्लांट्स चाहिए होते हैं। और अगर आपकी ईस्ट फेसिंग है तो उसमें थोड़ा शेड रहता है और मॉर्निंग सन मिलता है मॉर्निंग में, तो आफ्टरनून में थोड़ा शेड रहता है, मॉर्निंग में अच्छी सनलाइट मिल जाती है मगर ज़्यादा हीट नहीं रहती मॉर्निंग के टाइम। ये एडवांटेज हो जाता है ईस्ट फेसिंग में। तो और कई बार क्या होता है कि आपकी बालकनी है तो वेस्ट फेसिंग मगर उसमें एक टावर से दूसरे टावर का कई बार शेड मिल जाता है, तो उसमें काफ़ी शेड रहता है आपकी बालकनी में। तो ये सबसे पहले जज करना पड़ेगा कि आपकी बालकनी में कितनी हीट, कितना सन, किस टाइम कैसे रहता है। ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग चूज कर सके राइट प्लांट की है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आप लोग बालकनी में कंटेनर कैसा लेंगे। कंटेनर्स देखिए बहुत तरीके तरीके के हो सकते हैं, मिट्टी के हो सकते हैं, अर्दन पॉट हो सकते हैं, कुछ सेरेमिक हो सकते हैं, कुछ प्लास्टिक के हो सकते हैं, कुछ सीमेंट के हो सकते हैं। बालकनी में आप कोशिश करिए लाइट रहे, आपकी बालकनी ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि क्या होगा कि खाली पॉट का वजन नहीं होगा। अगर आप अर्दन पॉट लाते हैं तो वो वजन उनका खुद का बहुत होता है, उसके अलावा तमाम चीजें डलती हैं उसमें, पॉटिंग सॉइल डलती है जिसकी वजह से वो और ज्यादा हैवी हो जाता है। तो कोशिश करिए आप अपनी बालकनी को कुछ लाइट रखें, कुछ प्लास्टिक पॉट्स हो, बहुत सुंदर सुंदर प्लास्टिक पॉट्स मिल जाते हैं जो बहुत लाइट रहते हैं और बहुत ब्यूटीफुल भी लगते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं आप अपनी बालकनी के लिए। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कि आप अपनी बालकनी में पानी का अरेंजमेंट कैसे रखेंगे, क्योंकि अगर आपने कुछ टैप का या पानी का अरेंजमेंट कर लिया तो आपके लिए वाटरिंग बहुत ईजी हो जाएगी प्लांट्स में। अब जब मैं पानी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि हर जगह थ्रू आउट द वर्ल्ड 90% ऑफ द प्लांट्स डाई बिकॉज ऑफ ओवर वाटरिंग। तो आप जब पानी डालें तो ऐसा कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा सॉइल गीली ना रहे और प्लांट बहुत देर तक पानी में, दे डो नॉट सिट इन वाटर फॉर वेरी लॉन्ग, पानी डालें और निकल जाए, पॉटिंग सॉइल एकदम वेल ड्रेन ले। तो ये तो पानी के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कि आप लोग अपनी बालकनी में क्या क्या चीज़ गार्डनिंग करने से पहले आपको ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए आपको सबसे पहले तो ये पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। पॉटिंग मिक्स आप रेडीमेड भी मिल सकती हैं, ले सकते हैं, वो आपको अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कई ऑनलाइन नर्सरी से, कई जगह से आपको ये पॉटिंग मिक्स के पैकेट्स मिल जाते हैं वजन के हिसाब से, अलग अलग प्लांट्स के लिए भी, सर्कुलेंट के लिए अलग, कैक्टस के लिए अलग, नॉर्मल पेरिनियल प्लांट्स के लिए अलग, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप नर्सरी में जाके कुछ असेंबल करके अपनी मनपसंद पॉटिंग सॉइल भी बना सकते हैं, बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। गार्डन सॉइल उनसे ले लें, बाकी वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली, सरसों खली और बोन मील और
तमाम चीज़ें जितनी भी कॉम्पोस्ट ये सारी चीज़ें इनफैक्ट कोकोपीट भी ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके आप पॉटिंग सॉइल तैयार करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपको रखना पड़ेगा कुछ मिनिमम फर्टिलाइजर्स, जो कि आप इसको कभी लगे कि प्लांट रिक्वायर कर रहा है वैसे ओवर फर्टिलाइज कभी ना करें प्लांट को। कंटेनर्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। देखिए कितना छोटा कंटेनर है, इसमें कितनी खाद डालनी पड़ेगी। प्लांट कई बार जो शुरू में प्लांट डाल देते हैं वो एनफ हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने की कोशिश ना ही करें तो बेटर रहता है प्लांट्स के लिए। तो फर्टिलाइजर आप कौन से रख सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, कॉम्पोस्ट, कुछ सीवीड एक्स्ट्रैक्ट, कुछ फोलियर स्प्रे एक दो रख सकते हैं। इसके अलावा आप फंगीसाइड जरूर रखिए। देखिए प्लांट्स मैक्सिमम 90% मरते हैं रूट रॉट की वजह से। रूट रॉट होता है एक्सेस वाटर की वजह से, और रूट रॉट में क्या होता है, फंगल अटैक होता है जिससे कि प्लांट्स मर जाता है। तो फंगीसाइड प्लांट्स में डालना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप कुछ और टूल्स भी रख सकते हैं, जैसे खुरपी हुई और भी कुछ होस पाइप है, ये सारी चीजें टूल्स में ही आ जाते हैं। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप प्लांट चूज कौन सा करेंगे। प्लांट की चॉइस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सन लविंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट चाहते हैं, वो आपने वैसी बालकनी में रखा जिसमें लाइट नहीं आती, सन नहीं आता, तो ना फ्लावरिंग होगी ना फ्रूटिंग होगी, फिर आपको थोड़ी सेटबैक लगता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चॉइस करिए प्लांट का अपने बालकनी के हिसाब से, टेलर मेड करिए। हर तरह के प्लांट्स मिलते हैं, कई शेड लविंग होते हैं, कोई सन लविंग होते हैं, कई विंड में भी रह जाते हैं, बहुत स्टडी स्ट्रांग रहते हैं। आप बहुत ट्रैवल करते हैं तो आपको उस टाइप के भी प्लांट मिल जाते हैं जिसमें बहुत वाटरिंग केयर की जरूरत नहीं होती, तो आप ये टेलर मेड कर सकते। बाद में आप कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने बालकनी को आप क्या कर सकते हैं कि कुछ रैक्स, जैसे ये है स्टैंड, कुछ हैंगिंग पॉट्स, जैसे ये हैंगिंग पॉट है, ये हैंगिंग पॉट है, कुछ हैंगिंग पॉट्स भी लगा सकते हैं और कुछ वर्टिकल गार्डन्स लगा सकते हैं, ताकि आप कुछ जगह सेव कर सकें अपनी। और लास्ट में है कि आप जब प्लांट्स लगाएं, हैव पेशेंस विद देम। बहुत जल्दी जल्दी वो ग्रो नहीं करते, आप चाहे कितनी भी फर्टिलाइजर डाल दें, ज्यादा डालने से फर्टिलाइजर कई बार मर भी जाते हैं प्लांट्स, तो अगर उनको वक्त देंगे तो वो अपने आप डेवलप हो। अब नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, अब मैंने कुछ प्लांट्स चूज किए हुए हैं आपकी बालकनी के लिए, पांच ऐसे प्लांट्स जो आपको शेड लविंग बालकनी के लिए है, शेड लविंग प्लांट्स हैं जो आपकी बालकनी में कम धूप आती है उसके लिए। अब पांच ऐसे प्लांट्स होंगे जो आपके प्लांट अगर धूप बहुत ज्यादा आती है आपकी बालकनी में उसके लिए होंगे। तो दो तरह के प्लांट्स मैंने चूज किए हैं, बहुत ज्यादा धूप के लिए और हीट के जो सस्टेन कर ले, और अगला जो थोड़ी डेलिकेट है, कम धूप शेड में रहना लाइक करते हैं। चलिए देखते हैं कौन से प्लांट्स हैं वो। शेड लविंग प्लांट्स, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, पाम, सॉन्ग ऑफ इंडिया। अनलविंग प्लांट्स, रोजेस, एस्पैरेगस फर्न, जेड, रैफिस पाम, बोगनविलास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।